एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धी विजय मानकर ने 20 फरवरी सोमवार को कोंडागांव जिले के फरसगांव अस्पताल मैदान से छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 और लोक चुनाव 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा और देश में 200 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के अलावा कई नीतियों पर व्यापकता से प्रकाश डाला और कहा कि देश के 7 करोड़ गरीब परिवारों को मध्यम से अमीर बनाया जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पार्टी बनाएगी। वैसे ही संविधान में व्यापक संशोधन कर भारत का नाम गोंडवाना किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश की बघेल सरकार, देश की मोदी सरकार की कमियों और नीतियों सहित कई निशाने दागे। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। कोंडागांव जिले में जो सभा है वो एक तरह से चुनाव अभियान की शुरुआत है 2023 में, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है और 2024 में जो देश के लोकसभा के चुनाव है उसके चुनाव अभियान की शुरुआत है और एक व्यापक नीति के आधार पर जो है इस पर बात की जाएगी कि पूरे छत्तीसगढ़ का और देश का जो है वो उन्नति कैसे की जा सकती है आने वाले 10-15 सालों के अंदर। इसका एक पूरा जो है वो एजेंडा जो है वो फिक्स किया जाएगा और वो जनता को समझाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में हम पूरे 90 सीटों की तैयारी कर रहे हैं विधानसभाओं की और 11 लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। देश में 200 पार्लियामेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। सर क्या मुद्दे होंगे, विशेष मुद्दे जिनको लेकर जनता आपको वोट करेगी? अगर छत्तीसगढ़ की बात मैं करूँ तो छत्तीसगढ़ के अंदर में बड़े बड़े इश्यूज़ है, जैसे अभी पेशा कानून में जो है ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं दिए, एक बहुत बड़ा इशू है। आदिवासी का रिजर्वेशन 32% से जो है जो कम हुआ है हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद, उसमें जो नागराज की केस है उसमें प्रोसीजर बताइए वो यहाँ भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने नहीं की है। ओबीसी का आरक्षण अभी भी 14% है जो 27% किया जा सकता है लेकिन उसको नहीं किया जा रहा है। फिर किसानों की तो समस्याएँ है ही हैं, जो फसलों से लेकर जो तमाम चीज़ें हैं। पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग गांव में हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं थे उनको 5,000 रुपये का पेंशन कैसे दिया जा सकता है, इस पर जो है हम नीति लेकर आएंगे। ये मेजर मेजर जो है वो एजेंडा से। कर्मचारियों के लिए क्या कर्मचारियों के लिए, एक तो जो भी उनको 7th पे कमीशन 8th पे कमीशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन इसके अलावा जो है जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है जो परमानेंट नहीं हुए उनको परमानेंट किया जाएगा। सर आपकी पार्टी आती है तो बस्तर वालों के लिए क्या करेंगे? बस्तर के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए आदिवासी को जल जमीन जंगल का मालिक बनाएंगे और सेंसस में आदिवासी का कोड अलग से लाएंगे और 15-20% का उनको मिनरल में शेयर होल्डर बनाएंगे और देश को जो है वो गोंडवाना नाम देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। सर कोंडागांव जिले में कौन आपके होंगे? कोंडागांव जिले में अभी तो आपको प्रत्याशी आ जाएंगे, कार्यकर्ता लोग तो ऑफिस बैनर से यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी प्रत्याशी होंगे बस्तर लोकसभा के और विधानसभा के वो आपको जैसे से जैसे पिक्चर क्लियर होगा मई के बाद में ये जो है आपको क्लियर होने लग जाएगा।